तीन स्पेशल नोटिफिकेशंस आप सभी स्टूडेंट के लिए डबल ए ट्रिपल सी की वेबसाइट पे आ चुके हैं, उन सभी को बताऊंगा। उसके साथ ही राउंड टू के लिए ऑल इंडिया कोटा की जो सीट मैट्रिक्स है वो आ चुकी है, कितनी सीट्स किसके अंदर हैं वो सब आपको यहाँ पर बताऊंगा मैं। और जो तीन नोटिफिकेशन हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट और खुशखबरी की बात है वो ये है कि यहाँ पर अपग्रेडेशन का ऑप्शन सभी स्टूडेंट को दे दिया गया है। जैसे कि पहले रूल था कि अपग्रेडेशन का ऑप्शन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को दिया जाएगा जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए विलिंगनेस फॉर्म भरा होगा, लेकिन अभी यहाँ पर एक स्पेशल नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, उन्होंने एडमिशन लिया या नहीं लिया, और अगर एडमिशन लिया तो उन्होंने अपग्रेडेशन फॉर्म भरा या नहीं भरा, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट सभी स्टूडेंट अपग्रेडेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये सभी कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, ताकि काउंसलिंग रिलेटेड जितने भी अपडेट रूल्स रेगुलेशन हैं सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। पूरी अपडेट काउंसलिंग से रिलेटेड हो, चाहे एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग से रिलेटेड हो या फिर आयुष काउंसलिंग जैसे बीएएमएस बीएएमएस और बीएचएमएस की काउंसलिंग से रिलेटेड हो, कंप्लीट इस चैनल पर आपको मिलती है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट www.gov.in पर आएंगे तो आपको यहाँ पर नीट यूजी की काउंसलिंग के ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक करंट इवेंट का ऑप्शन और दूसरा है न्यूज़ एंड इवेंट का ऑप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आए हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन राउंड टू के लिए वो कल स्टार्ट हो गया था यानी 20 सितंबर से लेके, तो जिन स्टूडेंट ने पहले राउंड वन में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो अब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं पहले उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और चॉइस फिलिंग का ऑप्शन वो है आज से स्टार्ट हो गया है, तो जो स्टूडेंट चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं वो चॉइस फिलिंग यहाँ पर कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला या नहीं मिला इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ नोटिफिकेशन में ये नोटिस जो डाउनलोड करेंगे सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ डाउनलोड, तो यहाँ से ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। हालांकि डेट जो है इस पर कल की डली हुई है 20 तारीख, लेकिन ये अभी वेबसाइट पर आया, कल शाम में मैंने देखा था कोई नोटिस इसके अलावा नहीं था। यहाँ पर काइंड अटेंशन दी गई है सभी स्टूडेंट को, ऑल राउंड वन जॉइंट कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड नॉन विलिंगनेस ऑफ अपग्रेडेशन एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, यानी वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने राउंड वन में एडमिशन ले लिया और उन्होंने विलिंगनेस नहीं भरा, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको एडमिशन के टाइम पर विलिंगनेस फॉर्म भरना होगा तभी आप राउंड टू के लिए एलिजिबल होंगे, अगर आप विलिंगनेस नहीं भरते हैं तो राउंड टू में आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन में आपको बताया था कि 11 कॉलेज यहाँ पर ऐड हुए हैं जिसमें 2 यूनानी के कॉलेज और 9 बीएएमएस के कॉलेज राउंड टू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो उन सीट्स के बढ़ जाने की वजह से डबल ए ट्रिपल सी ने खुद से ये डिसीजन लिया है कि सभी स्टूडेंट को यहाँ पर पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाए, चाहे उन्होंने पहले विलिंगनेस का फॉर्म भरा हो या नहीं भरा हो, तो सभी स्टूडेंट यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पर इट इज़ इन्फॉर्म इन द व्यू ऑफ न्यूली एडेड AIQ सीट्स इन आयुर्वेदा एंड यूनानी इन द राउंड टू, जो नोटिफिकेशन इन्होंने 19 को निकाला था मैंने आपको बता दिया था। विलिंगनेस ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन ऑफ राउंड टू इज अलाउड टू ऑल कैंडिडेट इरेस्पेक्टिव ऑफ विलिंगनेस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट राउंड वन इंस्टीट्यूट, यानी अगर आपने अलॉटेड जो भी कॉलेज था वहाँ पर अपग्रेडेशन फॉर्म भरा या नहीं भरा उसके बावजूद आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और जो लोग नहीं चाहते हैं राउंड टू में पार्टिसिपेट करना वो सिंपली चॉइस फिलिंग नहीं करें, सिंपल सा ऑप्शन है। और जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको अपने ईमेल आईडी फ़ोन नंबर वगैरह डाल के लॉगिन करना है और फिर वहाँ पर चॉइस के ऑप्शन में जाकर चॉइस को एडिट करना है या जो भी करना चाहते हैं वहाँ पर अपने हिसाब से कॉलेजेस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ पहला नोटिफिकेशन। दूसरा नोटिफिकेशन ये है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने राउंड वन में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं या फिर राउंड टू में, जैसे कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है तो जो स्टूडेंट कर चुके हैं, तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं उनको वन टाइम करेक्शन का ऑप्शन दिया है, लेकिन ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए हैं जिन्होंने चॉइस लॉकिंग नहीं किया। ऑब्वियसली अभी चॉइस फिलिंग आज से स्टार्ट होगी तो अभी लॉक किसी ने की नहीं होगी, तो चॉइस लॉकिंग से पहले पहले आप अपने जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको एडिट कर सकते हैं। एक बार के लिए सिर्फ यहाँ पर मौका दिया गया है, 5 बजे 20 सितंबर से लेकर आप 12 बजे 24 सितंबर तक ये फैसिलिटी उठा सकते हैं, यानी करेक्शन करने की एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपको कोई दिक्कत हो गई या गड़बड़ी हो गई उसको ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अगर इस ऑप्शन को उठाना है यानी इस फायदे को उठाना है तो कैसे करेंगे, आप सबसे पहले लॉगिन करेंगे WCCC पोर्टल पे, देन क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग, आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग, उस टैब पे आप क्लिक करेंगे। वो किसके अंदर है, अवेलेबल सर्विसेज के अंदर जाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अवेलेबल सर्विसेज, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग का ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और आप अपने जो रजिस्ट्रेशन है उसको अनलॉक करके उसमें एडिट मॉडिफिकेशन जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये सभी स्टूडेंट जिन्होंने चाहे फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया या फिर सेकंड राउंड में, वो सभी स्टूडेंट इसको फायदा उठा सकते हैं। अगला जो तीसरा नोटिफिकेशन है वो राउंड टू काउंसलिंग के लिए, वो यही है कि जो स्टूडेंट NIA जयपुर को चूज़ करना चाहते हैं यानी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन पहले नहीं भरा था तो वो आप भर दें, क्योंकि यहाँ पर एडिटिंग का ऑप्शन भी मिल गया है। और जो लोग नया रजिस्ट्रेशन कर लें स्पेशली उनके लिए ये है कि अपने टाइप ऑफ काउंसलिंग में जो चूज़ करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो NIA जयपुर को चूज़ कर पाएंगे। ठीक है, यही सेम नोटिफिकेशन राउंड वन के टाइम पर भी आया है, बस इन्होंने डेट बदल के राउंड टू के लिए उस नोटिफिकेशन को भी दे दिया है। तो ये हो गए 3 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस। अब इसके साथ ही जो सीट मैट्रिक्स है राउंड टू के लिए वो क्या है वो आ चुका है, क्या होता है वर्चुअल वैकेंसी वो सब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जब आप लेटेस्ट न्यूज़ के करंट इवेंट के सेक्शन में जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिख रहे होंगे, वर्चुअल सीट मैट्रिक्स आयुर्वेदा BAMS फॉर राउंड टू गवर्नमेंट के लिए, फिर यहाँ पर आपको गवर्नमेंट एडेड के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ये सभी आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं गवर्नमेंट का राउंड टू का जो वर्चुअल वैकेंसी है वो आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि वर्चुअल वैकेंसी कहते किसको हैं। देखो वर्चुअल वैकेंसी का मतलब होता है
कि वो सीट जो है पार्टिसिपेट कर रही है ऑल इंडिया कोटा में, यहाँ पर जो गवर्नमेंट की सीट की बात चली, किसी भी सीट के लिए ले, लेकिन वर्चुअल सीट का जो मतलब होता है कि वो सीट मतलब एक्चुअल में तो खाली नहीं है, हो सकता है उस सीट पर किसी ने एडमिशन ले रखा हो लेकिन उसने अपग्रेडेशन को डाला है, तो अपग्रेडेशन वाली सीट को क्या कहते हैं, वर्चुअल कहते हैं, यानी ये खाली की तरह बिहेव करेगी। अगर इसी सीट पर कोई अच्छे मार्क्स वाला है तो उसको ये सीट मिल जाएगी, लेकिन जिसको ये सीट पहले मिली थी अगर उसका अपग्रेडेशन हो जाता है तब, अगर जिस स्टूडेंट का पहले इसमें एडमिशन था उसने जो चॉइस डाली है उसका अपग्रेडेशन नहीं होता है तो ये सीट उसी की बची रहेगी। तो ये होता है वर्चुअल सीट, क्योंकि ये एक्चुअल में खाली सीट नहीं है। अगर जिस स्टूडेंट को पहले सीट मिली थी उसका अपग्रेडेशन हो जाता है तब ये सीट वैकेंट हो जाएगी, यानी तब खाली होगी, तब ये दूसरे स्टूडेंट पर चली जाती है, इसलिए इसको वर्चुअल कहते हैं। तो इस तरह से ये गवर्नमेंट BAMS के लिए हैं राउंड टू में। इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल 218 सीट्स अभी वर्चुअल वैकेंसी के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हैं, जबकि अगर गवर्नमेंट राउंड वन की बात की जाए, यानी राउंड वन के अंदर गवर्नमेंट BAMS में कितनी सीट्स थी, तो 494 टोटल सीट्स थी। और अभी इसका मतलब बाकी जो सीट्स हैं उन पर परमानेंट एडमिशन हो चुका था, लेकिन अभी ऑप्शन फिर से इन्होंने दे दिया है तो ये सीट्स वर्चुअल वाली भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो स्टूडेंट ने अपग्रेडेशन के लिए फॉर्म भरा हो या ना भरा हो वो सभी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये डिसीजन जो है बाद में आया था, मैंने अभी आपको नोटिफिकेशन भी दिखा दिया है, लेकिन ये जो आपको लिस्ट दिख रही है ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए हैं जिन्होंने मतलब उन्हीं के लिए दिया गया डाटा जिन्होंने पहले ही अपना अपग्रेडेशन फॉर्म भर दिया था, मतलब ये तो पहले से ही मन बना के बैठे थे कि उनको अपग्रेडेशन करना है। बाकी जिन लोगों का पहले से मन नहीं था, हो सकता है अब बन जाए मन क्योंकि उनको ऑप्शन मिल गया है, तो अब भी वो अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, राउंड टू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर कॉलेज वाइज अपना देख सकते हैं किस कैटेगरी में कौन सी सीट है, आपको स्टेट देखने को मिलेगा, कॉलेज का नाम देखने को मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा कैटेगरी देखने को मिलेगी, कितनी सीट्स बाकी हैं वो सब आपको देखने को मिल जाए। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे BAMS, BAMS और BGMS किसी के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग जो जो चॉइस फिलिंग में डाल रहे हैं वो इसमें देख लें किस कॉलेज को लेना चाहते हैं।